अनमोल टीचर्स पर आज हम आपको एक अहम जानकारी दे देते हैं। मित्रों, राजस्थान में तबादलों का दौर अब शुरू हो गया है। इनको लेकर मुख्यमंत्री महोदय ने पहले संकेत दे दिए थे, अब इनका दौर शुरू हो गया है। ऐसे आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन फिर भी राजस्थान में बड़े स्तर पर तबादले खोल दिए गए हैं। मित्रों, हम देखते हैं इसका पहला धमाका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले राजस्थान में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने तबादले शुरू किए हैं। देखिए, ये 15/9/2020 का नोटिफिकेशन है। इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अज्ञा दिनांक 10/9/2019 द्वारा राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण या पदस्थापन पर लागू प्रतिबंध आज दिनांक 15/9/2020 से दिनांक 31/10/2020 तक 31 अक्टूबर तक इस विभाग में तबादले हो सकेंगे। तो इससे पहले 10/9/2019 को इस पर प्रतिबंध लगाया था। अब देखते हैं ये तबादले कैसे होंगे, परंतु इस अवधि में निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे। राज्य में COVID-19 की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए स्थानांतरण के लिए आवेदक का प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट या पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। इस बाबत कोई भी आवेदक कार्यालय आदि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और न ही कोई विभाग कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा। तो मित्रों, यही नहीं, सभी विभागों में आपके जो आवेदन हैं वो ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे। इस अवधि में किए जाने वाले स्थानांतरणों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आचार संहिता की पूर्ण पालना की जाएगी। यह आदेश राज्य के समस्त निगमों, मंडलों, स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होंगे। यानी कि अभी जो तबादले हैं वो निर्वाचन आयोग के अधीन रहेंगे, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। तो मित्रों, शिक्षा विभाग में अभी तबादले इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये आचार संहिता लगी हुई है और टीचर्स ही निर्वाचन का लगभग सारा काम करते हैं। मित्रों, जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, शिक्षा विभाग में भी बड़े स्तर पर तबादलों का दौर शुरू हो जाएगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।